हेलो, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको यूनानी की दवा माजून सुरंजान के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनानी दवा है और बहुत बेहतर किस्म की है। आइए मैं बताता हूँ कि इस दवा में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं और इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो माजून सुरंजान है, ये एक यूनानी चिकित्सा विज्ञान की दवा है और इसमें जो औषधियाँ मिला करके बनाते हैं उनमें सभी तरह की काष्ठ औषधियाँ होती हैं, यानी जड़ी बूटियाँ होती हैं और उन्हीं का चूर्ण और मिश्रण करके इस दवा को बनाते हैं। तो इस दवा में सबसे पहले लेते हैं सफ़ेद सुरंजान, जो कि मुख्य दवाई है इसकी, और इसके बाद फिर बूजी दाना लेते हैं, माहीज रज लेते हैं, कंवर जड़ लेते हैं, सफ़ेद जीरा है, चित्रक है, पीली हरड़ है, अजमोदा है, सौंफ, सफ़ेद मिर्च, एलुआ, सेंधा नमक, मेहंदी, समुंदर झाग, गुलाब के फूल, सोंठ, सकमुनिया, तिल, सफ़ेद तीव्रता, निशोथ, बादाम का तेल। इन सबको बादाम का तेल छोड़ करके बाकी सब चीज़ों का पहले चूर्ण बना लिया जाता है, पहले चूर्ण बनाते हैं और उस चूर्ण के बाद फिर उसका कपड़ छान चूर्ण करते हैं, मैदा की तरीके का चूर्ण बनाते हैं और फिर उसको कपड़े से छान लेते हैं। ऐसा निर्देश है कि कपड़ छान चूर्ण होना चाहिए या किसी मैदा की चलनी से उसको छान लेना चाहिए। बाद में इसमें बादाम का तेल मिलाते हैं और इस बादाम का तेल मिलाने के बाद इसको शहद और छोड़ देते हैं ताकि ये अवलेह की तरह बन जाए। तो इसको माजून कहते हैं, यानी ये एक तरह का अवलेह है जो बिना पकाए हुए बनाते हैं और इसमें शहद का परिमाण अच्छा खासा होता है, इसलिए ये औषधियाँ बड़ी कारगर बन जाती हैं शहद के मिल जाने से। और जड़ी बूटियों को मिला करके, जो ये बड़ी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ हैं, आपने देखा होगा कि ये किस तरह से इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से शाकाहारी किस्म का है और इसमें कोई भी जीव जंतु या अन्य किसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि लोगों को भ्रम होता है कि शायद ये यूनानी दवाइयों में किसी जानवर की हड्डी है या और कोई चीज़ है, इसको इसको मिलाते हैं या और कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वही औषधियाँ बता रहा हूँ जो जड़ी बूटियों से तैयार होकर के बनती हैं और उनका निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से जो बनी हुई दवा है उसकी मात्रा 6 से 8 ग्राम है। तो माजून सुरंजान 6 से 8 ग्राम सादे पानी से या अर्क उसबा के साथ में, इसको ज़्यादातर यूनानी हकीम अर्क उसबा के साथ इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और अर्क उसबा ये बहुत ही अच्छे उसबा का अर्क है। तो ये आर्थराइटिस है या और दूसरी तकलीफें, इनमें बहुत इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये माजून सुरंजान कौन कौन सी तकलीफों में और किन किन बीमारियों में ये काम आता है। तो माजून सुरंजान दवा का कफज और पित्तज, यानी कफ के दोष से पैदा हुई तकलीफें और पित्त के दोष से पैदा हुई तकलीफें, यानी कि तकलीफ से ये विशेषकर जो साइटिका होती है,
आपने साइटिका बीमारी का नाम सुना होगा, तो ये साइटिका की बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद दवा है और इसको आयुर्वेद में ग्रद्धरसी कहते हैं, ग्रद्धरसी रोग कहते हैं और अंग्रेजी में इसको साइटिका कहते हैं। तो ये बहुत ही गुणकारी और क्यूरेटिव रेमेडी है, यानी इसके खाने से जो साइटिका की बीमारी है वो बिल्कुल और जड़ बुनियाद से ये ठीक करती है ये बीमारी को जो साइटिका की है। और लेकिन इसके अलावा अगर इसका उपयोग किया जाता है आम बात में, यानी कि सारे शरीर के जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको आम बात कहते हैं, सारे शरीर के जोड़ सूज जाते हैं और मांसपेशियां बड़ी टेंस हो जाती हैं, रिजिड हो जाते हैं, कड़ाई लिए हुए होती हैं, तो उनमें ये आम बात की जो तकलीफ है इसमें जो दिक्कतें हैं वो मांसपेशियों की और सारे शरीर की जोड़ों के साथ में सूजन की होती हैं। तो ये माजून सुरंजान ऐसी स्थितियों के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारगर दवा है। तो इसका इस्तेमाल अगर आम बात विकार में करते हैं तो ये बड़ा फायदा पहुंचाती है। एक बात और है, अगर खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाए और उसके बढ़ जाने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो उससे बढ़ जाने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, और बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए माजून सुरंजान एक बहुत ही अच्छी किस्म की दवा है और इसका उपयोग करने से यूरिक एसिड का स्तर खून के अंदर नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है, और इसलिए जो जो यूरिक एसिड के रोगी हैं अगर वो माजून सुरंजान का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज़रूर इसमें आराम मिलेगी। और हालांकि यहाँ जो सलाह दी जा रही है वो आप सभी को यह बताने के लिए है कि साइटिका का इलाज यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तथा अन्य आयुष चिकित्सा की पद्धतियों में उपलब्ध है और ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, वो बार बार होने वाला नहीं है कि आपने दवा छोड़ दी और उसके बाद फिर दोबारा वो बीमारी पैदा हो गई, ऐसा इसमें नहीं है। ये अगर एक बार ठीक होती है तो फिर हमेशा के लिए और जीवन भर के लिए ठीक होती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर किसी को साइटिका की बीमारी है और नहीं ठीक हो रही है तो किसी आयुष चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ये हमारी सलाह है। और हमारे रिसर्च केंद्र में सभी बीमारियों का इलाज, यानी साध्य असाध्य और कष्ट साध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि मिर्गी, हिस्टीरिया, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, क्रॉनिक और एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, एचआईवी, मस्कुलर एट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिशुला, भगंदर, पुरानी बवासीर, एनोरेक्टल बीमारियाँ, फैटी लीवर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइनोसाइटिस और ईएनटी के सभी रोग 100% ठीक हुए हैं। और ये हमारे लिए बड़ी क्रेडिट की बात है कि ऐसी जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं बहुत सफलता के साथ में। इसके अलावा नेफ्राइटिस, गुर्दे की पथरी, डायबिटीज, इनलार्ज प्रोस्टेट, शरीर की सूजन, कोलाइटिस, इसके अलावा और भी जो अन्य तकलीफें हैं उनकी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ होता है और हम ETG आयुर्वेदा स्कैन की 3 विधियों द्वारा सारे शरीर की जांच करते हैं। आयुर्वेद का रक्त परीक्षण करते हैं, आयुर्वेद का मूत्र परीक्षण करते हैं और अन्य परीक्षण विधियों द्वारा सारे शरीर की परीक्षण करके रोग की जेनेसिस यानी रोग के जड़ बुनियाद का पता
करके आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी आदि सभी दवाइयों का इंटीग्रेटेड उपचार की व्यवस्था है। हमारे रिसर्च केंद्र कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर में सभी तरह की, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीमारियों का इलाज होता है। अगर कोई आपके परिचय में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इलाज कराते कराते परेशान हो चुका है और उसको ये नहीं सूझ रहा है कि वो क्या इलाज करे, तो आप उसको हमारे केंद्र के बारे में बता दें। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इस चैनल को दूसरों को भी बताएं जो आयुर्वेद के छात्र हैं, आयुर्वेद के अध्यापक हैं या आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बताएं। हमारा चैनल प्रमोशन और प्रोपोगेशन के लिए है, जो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योगा और नेचर क्योर सिस्टम्स को आप सब लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का प्रयास करता है। हमारे YouTube चैनल पर आइए और अन्य जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए। धन्यवाद।